हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके लैब टेक्नीशियन में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है और कैसे होता है, मलेरिया के क्या क्या लक्षण हैं, मलेरिया बुखार कितने प्रकार का होता है, मलेरिया की जांच के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कराया जाता है, मलेरिया के बचाव और सावधानियां उपाय क्या हैं। दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट, जिसे हम प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, इससे होने वाली एक बीमारी है जो संक्रमित मादा एनिफिस मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया का जो मच्छर होता है ये बस रात में ही काटता है, दिन में मलेरिया के मच्छर नहीं काटते। आमतौर पे मलेरिया बरसात के मौसम में ही होता है, क्योंकि ये मच्छर बरसात नाली और घरों के जमे हुए गंदे पानी में पनपते हैं। ये मलेरिया के जो मच्छर होते हैं जुलाई अक्टूबर नवंबर ये 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मलेरिया इन्फेक्शन हमारे शरीर के लीवर और रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। अगर जिस व्यक्ति को मलेरिया के मच्छर काटते हैं तो मच्छर के काटने के एक हफ्ते बाद बुखार आना या मलेरिया के सिम्टम्स जो होते हैं उस व्यक्ति में नज़र आने लगते हैं। हालांकि कुछ लोगों में महीनों दिन बाद लक्षण नज़र आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि बिना लक्षण के मलेरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर में 1 साल तक रह सकता है। अब हम जानेंगे मलेरिया कैसे होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। मलेरिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, और ये गर्भवती महिला से पेट में पल रहे बच्चों में भी हो सकता है। इसलिए जिसको मलेरिया हुआ होता है वो व्यक्ति 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ रहता है वो व्यक्ति अपना ब्लड किसी व्यक्ति को देता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को मलेरिया होने के चांसेस फुल रहते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। मलेरिया कैसे होता है? जब मलेरिया से संक्रमित किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है तो मलेरिया का इन्फेक्शन उस व्यक्ति से मच्छर में चला जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस मच्छर का इन्फेक्शन उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है और वह व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। अब हम जानेंगे मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं। मलेरिया के संक्रमण का सबसे प्रमुख लक्षण जो होता है, अचानक तेज कपकपी के साथ ठंड लगना, और इसके कुछ देर बाद बुखार आ जाता है, और ये बुखार लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है, और फिर पसीने आकर बुखार उतर जाता है, और यह प्रक्रिया दिन में 2 से 3 बार या रात में 2 से 3 बार होता है। कभी कभी यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन बाद भी आता रहता है। और दूसरा जो लक्षण होता है, सिर में दर्द होना, उल्टी होना या जी मचलाना, कमजोरी और थकान महसूस होना, शरीर में खून की कमी होना, सांस का फूलना, आंखों की पुतलियों का रंग पीला होना, ये सब मलेरिया के लक्षण होते हैं। अब हम जानेंगे मलेरिया की जांच के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट हमें कराना चाहिए और कौन कौन से इसके टेस्ट होते हैं। मलेरिया की जांच के लिए हम एमपी टेस्ट कराते हैं, जिसका नाम होता है मलेरिया पैरासाइट। ये हम 2 तरीके से करते हैं, पहला जो होता है हमारा स्लाइड से, और दूसरा जो होता है किट से, जिसे हम रैपिड टेस्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्लाइड से मलेरिया का टेस्ट कैसे होता है। पहले हम स्लाइड लेंगे, ब्लड से स्मेयर बनाएंगे, फिर इसको स्टैंड करेंगे। स्टैंड करने के बाद माइक्रोस्कोप की मदद से आरबीसी में मौजूद प्लाज्मोडियम पैरासाइट का पता लगाते हैं। और दूसरा जो होता है मलेरिया एंटीजन टेस्ट, जिसे हम एमपी बाई किट कहते हैं, एमपी रैपिड टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम पता लगाते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फॉक्सीफेरम। ये टेस्ट रैपिड किट से होता है, जो प्रेगनेंसी किट की तरह होता है, और यह 10 मिनट में रिजल्ट दे देता है। और इसमें पता लगता है कि हमारे ब्लड में मौजूद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फॉक्सीफेरम एंटीजन का। अब हम जानेंगे मलेरिया में बचाव और सावधानी क्या होनी चाहिए। घरों के आसपास
डीडीटी कीटनाशक का छिड़काव कराना चाहिए। घरों के आसपास कूड़ा कचरा जमा नहीं होने देना चाहिए। घरों के आसपास गड्ढों, नालियों, बेकार पड़े खाली डिब्बों, पानी की टंकियों, गमलों, कूलर की टंकी और टायर ट्यूब में पानी जमा ना होने दें। एक सप्ताह में एक बार पानी से भरी टंकी, कूलर आदि खाली करके सुखा दें, जिससे मलेरिया का जो मच्छर होता है वहाँ न पनपे। जहाँ पानी एकत्रित होने से रोका नहीं जा सके वहाँ पानी पर मिट्टी का तेल या जला हुआ तेल, मोबिल ऑयल छिड़कें। खिड़कियों दरवाजों में जाली लगवाएं। शाम और रात को हाथ और पैर में फूल कपड़े पहने। रात में सोते टाइम मच्छरदानी का यूज करें या फिर क्रीम ऑयल या मच्छर निवारक ऑल आउट या पैर और हाथों में तेल का इस्तेमाल करें। मलेरिया का टेस्ट ब्लड से होता है। प्लाज्मोडियम फॉक्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये दोनों टेस्ट ब्लड से किए जाते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो अपने आसपास किसी भी लेबोरेटरी में जाकर अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और पता कर सकते हैं आपको मलेरिया है या नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।